1958 में टोक्यो में हुए एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर के स्वर्ण पदक जीतने पर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह की जीत को सिर्फ एक तुक्के की जीत बताया था और लाहौर में दौड़ने के लिए आमंत्रित किया था। बात उस समय की है जब पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था। मिल्खा सिंह ने निमंत्रण को स्वीकार भी किया और गए भी और अब्दुल खालिद को हराया भी। फ़ख्र है मैं अपने भारत के सिर पर। जय हिंद।